झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जहां पर झारखंड में बीजेपी को हार मिली है, तो वहीं जेएमएम कांग्रेस की महागठबंधन को जहां पर जीत हासिल हुई है। वहीं अगर बात करें सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, ऐसे में सरकार को जो पहला काम करना चाहिए था वो ये कि युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए था, किसानों की समस्या को सुलझाना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने यहाँ वहाँ की चीज़ों पर ध्यान दिया। मुझे लगता है कि नीतियों को बनाने की बजाय सरकार का ध्यान राजनीति पर ज़्यादा था। कोशिश इस तरह की जा रही थी कि उन कानून को पास कराया जाए जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। नौकरी देने से ध्यान हटकर यूनिवर्सिटी में हिंसा भड़काने की ओर ज्यादा था। फिर चाहे वो यूपी में हो, कर्नाटक, असम या आप चाहे जहां देख लीजिए। बता दें कि झारखंड में 5 चरण में हुए चुनाव के बाद हाल ही में हुए मतगणना में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की जीत हुई है। कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी गठबंधन के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के राज्याध्यक्ष समेत कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता का आभार जताया। सोरेन ने कहा कि आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। इसके साथ ही झामुमो चीफ ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राजद चीफ लालू प्रसाद यादव को भी धन्यवाद दिया और जीत को महागठबंधन की जीत बताया। गौरतलब है, यानी कि बता दें आपको, कि हेमंत सोरेन की गिनती सूबे के कद्दावर नेताओं में होती है। हेमंत सोरेन पहले भी राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम रह चुके हैं। उनके पिता शिबू सोरेन की झारखंड राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिबू सोरेन 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। SPN9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।